आइए दोस्तों, मैं हूं टेक्निकल फोर व्हीलर चैनल से और मैं आज आप सबको बताने वाला हूं महिंद्रा मैक्सिमो मिनी वैन गाड़ी के बारे में। दोस्तों ये जो गाड़ी है महिंद्रा मैक्सिमो वैन, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है दोस्तों। जब भी हम सेल्फ मार रहे हैं पूरा लंबा सेल्फ ले रहा है और गाड़ी स्टार्ट जो हमारा है नहीं हो रहा है दोस्तों। तो चलिए इसमें मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि आखिर हमारा क्या फॉल्ट है दोस्तों कि जो हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है दोस्तों। दोस्तों ये जो गाड़ी है चलते चलते इनका जो नोजल है दोस्तों डाउन हो गया है, इसी के कारण से जो हमारा गाड़ी है स्टार्ट कर रहे हैं तो सेल्फ से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है दोस्तों। और जब भी हम गाड़ी को धक्का दे रहे हैं या उसका जो एयर क्लीनर होता है दोस्तों उसमें थोड़ी सी कपड़ा में पेट्रोल सूंघती कर दे रहे हैं तो जो गाड़ी है स्टार्ट हो जा रहा है दोस्तों, और स्टार्ट होने के बाद चलने भी लग जा रहा है दोस्तों। तो चलिए हमें इंजेक्टर को कैसे चेक इन करना है कि हमारा इंजेक्टर कंफर्म ख़राब है या नहीं ख़राब है दोस्तों। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, इंजेक्टर को जांच करने के लिए दोस्तों, ये जो इंजेक्टर हमारे को सामने में आपको दिख रहा है, इन दोनों इंजेक्टर को हम रिटर्निंग पाइप को निकाल लेंगे दोस्तों। अगर हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा तो हम इंजेक्टर को दोनों रिटर्निंग पाइप को निकाल लेंगे, और निकालने के बाद थोड़ी सी हम पेट्रोल कपड़ा में लेके और उसको जो है एयर क्लीनर में लगा के और कपड़ा को मजबूती से पकड़े रहेंगे दोस्तों, नहीं तो इंजन के अंदर भी खींच सकता है दोस्तों। और फिर हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद अगर हमारा गाड़ी जो है स्टार्ट हो गया तो हम देखेंगे कि हमारा दोनों इंजेक्टर में से कौन सा रिटर्निंग में से ज़्यादा तेल फेंक रहा है दोस्तों। अगर जो हमारा इंजेक्टर है उसमें से अगर किसी भी इंजेक्टर में से अगर ज़्यादा तेल रिटर्निंग कर रहा है दोस्तों तो समझिए कि जो हमारा इंजेक्टर है वो ख़राब हो गया है दोस्तों, और इसी के कारण से जो हमारा गाड़ी है स्टार्ट नहीं हो पा रहा है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको जाँच करके दिखा भी देता हूँ दोस्तों कि इन दोनों में से हमारा कौन सा इंजेक्टर जो है ख़राब है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों गाड़ी को हम करते हैं स्टार्ट और आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों गाड़ी को हम स्टार्ट कर लिए हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन सा जो हमारा इंजेक्टर है ज़्यादा ख़राब है। चलिए दोस्तों गाड़ी को हम स्टार्ट कर दिए हैं, इन दोनों में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो हमारा गाड़ी है सामने में स्टार्ट है, और इन एक नंबर इंजेक्टर के पास देखिए आप गौर से, ये दो नंबर इंजेक्टर है, और यहाँ एक नंबर इंजेक्टर के पास आप देखिए एक नंबर इंजेक्टर में से कितना ज़्यादा रिटर्निंग तेल मार रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख लीजिए कितना ज़्यादा रिटर्निंग मार रहा है दोस्तों, और दो नंबर में देख लीजिए, दो नंबर में बिल्कुल बूंदा बूंदा सा चू रहा है और एक नंबर में बिल्कुल तेज़ी से निकल रहा है। इसी के कारण से दोस्तों जो हमारा गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अगर आपके साथ भी अगर आपके गाड़ी में ऐसा हो तो आप अपना इंजेक्टर अपने हाथ से भी चेक इन कर सकते हैं दोस्तों कि हमारा इंजेक्टर जो है कौन सा इंजेक्टर ख़राब है कि हमारा जो गाड़ी है स्टार्ट नहीं हो रहा है दोस्तों। तो आपको मैं बता दिया हूँ कि कैसे इंजेक्टर को चेक इन करना है और कौन सा इंजेक्टर ख़राब है, वो चीज़ भी मैं आपको दिखा दिया हूँ। चलिए अब हम जो हमारा इंजेक्टर ख़राब है एक नंबर उसको खोल कर बाहर निकाल लिए हैं दोस्तों, अब दूसरा हम इसमें फिटिंग करने वाले हैं, फिर आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाने वाले हैं दोस्तों कि जो हमारा गाड़ी है करके आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे दो इंजेक्टर रखे हुए हैं दोस्तों, अभी जो ये वाला जो है इंजेक्टर दोस्तों ये गाड़ी के साथ अभी लगा हुआ था, देख लीजिए आप, अभी इसे खोल के बाहर निकाले हुए हैं हम। अब इसमें दूसरा वाला इंजेक्टर हम ये वाला इसमें फिटिंग करने वाले हैं, देख लीजिए इसमें आगे वाशर नहीं है, अभी हम इसको निकाल लें, ये वाला फिटिंग करने वाले हैं दोस्तों। और ये जो वाला है इसमें देखिए वाशर लगा हुआ है, इसी को अभी निकाले हुए हैं, तो वाशर को हम इसमें से निकाल के और दूसरा वाला इंजेक्टर में फिटिंग कर लेंगे इसमें, और फिर जो है फिटिंग करने के बाद दोस्तों इसमें इंजन में हम फिटिंग करेंगे यहाँ पे, और फिर जो है गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे कि जो हमारा रिटर्निंग तेल मार रहा था वो कितना रिटर्निंग मार रहा है और जो गाड़ी है सेल्फ से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरे से वीडियो पे जुड़े रहिए दोस्तों, और देखिए इंजेक्टर फिटिंग करने के बाद सेल्फ से गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस इंजेक्टर को हम खोले हुए थे, एक नंबर इंजेक्टर खोले हुए थे, उसको फिटिंग कर लिए हैं, और इसमें रिटर्निंग पाइप जो है उसको अभी फिटिंग नहीं किए हैं हम, इंजेक्टर को फिटिंग कर लिए हैं, वायर फिटिंग कर लिए हैं, पाइपलाइन भी फिटिंग कर लिए हैं दोस्तों। और इसके बाद अब हम गाड़ी को सेल्फ मार के और इंजेक्टर को जो हवा है उसको हवा को निकाल देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि जो हमारा गाड़ी है सेल्फ मारने से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों। तो चलिए पहले हम गाड़ी को सेल्फ मार के इसके हवा निकालते हैं, चलो भाई सेल्फ मारो। तो देखिए इस गाड़ी को पहले सेल्फ मारते हैं और इसका जो इंजेक्टर है उसे हवा निकालते हैं। बस यहाँ देख लीजिए एक नंबर इंजेक्टर में एक इंजेक्टर पाइप से देखिए कैसे डीजल निकल रहा है, चलो भाई एक बार और मार के दिखाओ। तो बस देखिए यहाँ से इसका जो हवा है वो निकल गया है दोस्तों। चलिए इस पाइप को टाइट कर देते हैं
और टाइट करने के बाद गाड़ी को आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सभी इसको फिटिंग कर दिए हैं। चलिए, जो हमारा पाइप है उससे हवा निकाल कर और इसको टाइट कर दिए हैं। चलो भाई, सेल्फ मारो तो देखते हैं गाड़ी को हमारा जो है स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, अभी जो है इंजेक्टर को फिटिंग कर दिया है, इंजेक्टर को चेंज कर दिए हैं, तो जो हमारा गाड़ी है सेल्फ से स्टार्ट हो गया। और चलिए आपको दिखा देते हैं कि जो हमारा रिकॉर्डिंग पाइप है वहाँ से कितना तेल निकल रहा है इसमें। तो देखिए गाइस, अभी जो हमने आपको दिखाया था तो दोस्तों, अभी जो हमारा गाड़ी है वो सामने में आपको स्टार्ट दिख रहा है दोस्तों। जो हमारा गाड़ी है स्टार्ट कर लिए हैं और ये चीज़ भी आपको दिखा दिए हैं कि अभी देख लीजिए, अभी शुरू में मैं आप जो पुराना वाला इंजेक्टर था, अभी जो एक नंबर लगा हुआ था उसमें आपको स्टार्टिंग करके पहले मैं आपको दिखाया था तो उसमें से कितना रिटर्निंग तेल मार रहा था दोस्तों। अभी उस टाइम देखे थे आप, अभी इस टाइम देखिए जो हमारा एक नंबर इंजेक्टर है दूसरा लगा दिए हैं तो अभी उसमें से कितना जो रिटर्निंग तेल है वो निकल रहा है दोस्तों। तो आपको उसी से अंदाज़ा लग जाएगा दोस्तों कि जो रिटर्निंग पाइप जो तेल होता है वो ज़्यादा बैक मारने से गाड़ी स्टार्ट होता है कि नहीं होता है दोस्तों। इससे आपको सच पता लग जाएगा दोस्तों। तभी आपको मैं सामने करके दिखा भी दिया हूँ दोस्तों, अभी एक नंबर में जो हमारा इंजेक्टर है कितना तेल निकल रहा था, अभी दो नंबर में भी आपको दिखा दिया था, अभी दूसरा इंजेक्टर फिटिंग करके और गाड़ी स्टार्ट करके भी मैं आपको दिखा दिया हूँ दोस्तों कि जो हमारा रिटर्निंग तेल है वो ज़्यादा बैक मारने लग जाएगा दोस्तों, तो जो हमारा गाड़ी है स्टार्ट नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसी कारण दोस्तों, आपके साथ अगर ऐसे हो तो आप उसे इंजेक्टर को चेक इन कर सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो कौन सा इंजेक्टर है ज़्यादा ख़राब है और कौन सा कम ख़राब है, तो आप उसको इंजेक्टर वाले मैकेनिक के पास सही करवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को पास शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे जानकारी इस चैनल पे मिलती रहती है दोस्तों। और दोस्तों, आप अगर मेरे वीडियो ये फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो जरूर कीजिएगा दोस्तों और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे